करूंगी कि सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी सुन ले। आप जो मांगने आई हैं आपको वो मिल जाए। पहले हुए हादसे को भुला नहीं पाया है। पर पन्ना, देव के पास वो लॉकेट, देव ने ऐसे क्यों कहा कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं, उसे बढ़कर है? कुछ तो बात है पन्ना। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लगा था। कल जब वो अमीशा के साथ बहस कर रहा था तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन अभी जब मैंने उससे बात की तो जितनी उम्मीदें बंधी थी सब चूर हो गई। कब तक पन्ना? कब तक? देव उन्हीं बीती हुई यादों के साए में जीता रहेगा। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि देव की जिंदगी में कोई ऐसा आ जाए जो उसे जिंदगी जीना सिखाए, उसकी जिंदगी में एक बार फिर खुशियां खुशियां भर दे। खुशियां बाए फैलाए आपका स्वागत कर रही है। रुपए, ये तेरा भविष्य फल नहीं काजल, ये तेरा भविष्य फल है। हाँ, लगता है कि आज का तेरा दिन काफी अच्छा जाने वाला है। कसम, जल्दी देख इसमें क्या लिखा है, जल्दी देख। शॉर्टी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तंग मत कर। अच्छा, तू देख नहीं सकती तो मैं तुझे पढ़ के सुना दूं। अच्छा बोल। काजल, आज राह चलते तुझे एक ऐसा इंसान टकराएगा जो जिंदगी भर का तेरा साथी बन जाएगा। कुछ भी लिख देते हैं ये लोग। अगर ऐसा होने लग गया ना तो सड़कों पे शादियां होने लगेंगी और ट्रैफिक सिग्नल के चारों ओर लोग साथ फेरे ले रहे होंगे। तुझे हमेशा मजाक ही सोचता है ना। ओह, मजाक मैं कर रही हूँ? हाँ पापा, चलिए ना, देर हो रही है। पापा के कॉलेज का पहला दिन है आज और वैसे ही इतनी देर हो गई है, इसलिए तू अब और मेरा दिमाग खराब मत कर, समझी? काजल, इसमें ये भी लिखा है कि आज का तेरा लकी कलर है ब्लू। मतलब आज जो तुझसे मिलेगा उसने भी ब्लू कलर पहना होगा। हाँ, नीला सूट पहने, नीले सहरे से अपना मुंह छुपाए, नीले आसमान से निकल के नीले घोड़े पे सवार, नीले बादलों को चीरते हुए मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे यूं उठा ले जाएगा। और अगर मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई ना तो वो तुझे भी अपने साथ उठा ले जाएगा, समझी क्या? जब देखो मैं सबक सोचता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न मिस राय। डैम, हंस रहे हैं सब लोग मुझ पर, हंस रहे हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि उस दिन पार्टी में जिस एम्प्लॉय के साथ मेरी प्रॉब्लम हुई थी क्या वो सॉल्व हुई या नहीं। तुम मुझे बताओ वीर, क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को? हाँ, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है and that is all thanks to your brother. पहले तुम्हारा भाई और अब तुम्हारी मॉम, वो भी उसी का साथ दे रही। चाहे तुम्हारा भाई उनसे ठीक से बात करे या ना करे, लेकिन उनके लिए हमेशा वही लाड रहा है। गॉड, तुम सच कह रही हो अमीशा, इस घर में हमें कभी इंपॉर्टेंस मिली नहीं। देव के सामने हर बार हमारे हकों को दबाया गया और अब बहुत हो चुका है। अब ये बर्दाश्त के बाहर जा चुकी है बात। देर से ही सही, एटलीस्ट तुम्हें ये बात समझ में तो आई, वरना आज तक तो तुम मुझे ही चुप करवाते थे। सच जानने में कभी कभी टाइम लग जाता है हमेशा, पर अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब मैं करूं भी तो क्या करूं?
तुम चाहे कुछ करो या ना करो वीर, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती और उस लड़की काजल को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये सारा तमाशा उसी की वजह से हुआ है। अब मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। उसने मुझसे उलझने की कोशिश की है, तो इसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही होगा। Just wait and watch. अरे बेटा, रिक्शा यहाँ क्यों रोक दिया? पापा, मैं यहीं उतर जाऊंगी। क्यों? तुम यहाँ क्यों उतर रही हो? तुम्हारा ऑफिस तो आगे है ना? हाँ पापा, पर आपको उल्टा पड़ेगा, खामखा घूम कर जाना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी, ऑफिस पास ही में तो है। और ये मत भूलिएगा कि आज आपका कॉलेज का पहला दिन है। बेस्ट ऑफ लक प्रोफेसर साहब। अच्छा बाबा, अच्छा जाता हूँ, और तुम भी ध्यान से काम करना। जी पापा। गाड़ी ठीक से चलाई करो, फिर भी आज जो तुझसे मिलेगा उसने भी ब्लू कलर पहना होगा। ये मुंबई की रोड पता नहीं कब ठीक होंगी, यहाँ पर सड़कें कम और ये गड्ढे ज्यादा हैं। चलो गाड़ी में। ऐसे गाड़ी में सर, वो अगर मैं आपकी गाड़ी में बैठी तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। ऐसे में अपनी गाड़ी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरे सूट, और कोई भी मेरे ऑफिस का एम्प्लॉय अगर इस कंडीशन में मेरे ऑफिस आए तो मुझे पसंद नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले लेता हूँ। कम ऑन। नहीं सर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वो जो गाड़ी दिख रही है तुम उसमें जाके बैठो, ओके? फॉलो। मैनेजर को बोला। जी सर। हाँ जी, मैं किसी काम से अपने होटल आया और थोड़ी देर बाद ऑफिस में आ जाऊँगा। नहीं, आल बी देयर। गुड मॉर्निंग सर।
सर कोई जरूरी काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, आपने आने की तकलीफ क्यों की? पर मैनेजर साहब ये हैं काजल बहन, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और हमारी बुटीक से कुछ कपड़े दिलवा दीजिए। ओके ओके सर। नहीं नहीं सर, वो मैं हाँ मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता मैं ये कह रहा था कि जो ज़मीन आपने हमारी कंपनी के ऑफिसर्स को दिखाई थी वो हमारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ी, एक मिनट मिस्टर गुप्ता, तुम इनके साथ जाओ और अपने लिए कपड़े चुनो। आइए काजल जी। हाँ जी सर, ये काजल हैं, इनको जो कुछ चाहिए वो दिखा दीजिए। थैंक्स। यस मैम, आप क्या प्रेफर करेंगी? जी कुछ भी चलेगा, बस सिंपल होना चाहिए, वो ऑफिस में पहनने के लायक। ये देखिए, ये भी नहीं जी, वो जिस तरह के कपड़े मैंने पहन रखे हैं वैसा कुछ नहीं मिलेगा क्या? आइए। भगवान, कहाँ फंस गई मैं? सारे डिजाइनर कपड़े कितने महंगे होंगे। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। Yeah, Mr. Manoj. नहीं नहीं, उस प्रोजेक्ट के लिए हमने किसी और आर्किटेक्ट को साइन किया। Yeah, let's see what happens. I. I don't know, Mr. Malut. No. No, 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 no. Not, no, not this. Not this for sure. ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा। नहीं, Mr. Malut, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? जी 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 हाँ मिस्टर पलोत्रा, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरे बॉस मिस्टर देव जैसा लगता है। नक चढ़ा तो मिस्टर देव, कैसी लग रही हूँ मैं आप? मेरे ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय
हालत में काम पर आए। ये मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा। चलो गाड़ी में बैठो। तुमने सुना नहीं? वो जो गाड़ी वहां पे खड़ी है उसमें जाकर बैठो। कितना खड़ूस बॉस दिया है ना आपने मुझे कन्नू भैया, हमेशा ही अपनी आकड़ में रहता है। चले चलो। नहीं सर, मैं दे दूंगी सर। तो अपने खड़ूस बॉस की गलती की कीमत तुम क्यों चुकाओगे? थैंक यू। ओह गॉड, इसका मतलब इन्होंने सब सुन लिया। आपने जो मेरी ड्रेस के पैसे दिए वो मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा प्लीज। तुम्हारे कपड़े किसकी वजह से गंदे हुए थे? सर मैंने पूछा कि तुम्हारे कपड़े किसकी वजह से गंदे हुए थे? मेरी तो तुम्हारे लिए नए कपड़े दिलाने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। काफी जल्दी सीख रहे। गैरेंटर कहाँ ना? कम ऑन। काजल बहन जी का नाम तुम्हें चालू होना चाहिए। काजल सुबह सुबह 9 बजे मिस्टर देव प्रताप सिंह के होटल से बाहर आ रही है। मतलब पूरी रात उसने यहीं बिताई। लगता है काजल डे शिफ्ट के साथ साथ नाइट शिफ्ट भी कर रही है। अब समझ में आया कि मिस काजल बहल को वो नया कैबिन, वो बड़ा अपार्टमेंट क्यों दिया जा रहा है। मिस्टर देव प्रताप सिंह मिस काजल बहल पे इतने मेहरबान क्यों है? ये लड़की तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली। मिस्टर देव प्रताप सिंह को शायद आज तक हमारा नाम भी ठीक से पता नहीं होगा। मिस काजल बहल, इसने तो उनके साथ लव स्टोरी भी शुरू कर दी। हमें इसे रोकना होगा और वो भी ऐसे कि मिस काजल बहल आज के बाद ऑफिस में मुंह दिखाने लायक नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी सम फन गेम्स। हमने अपनी आंखों से देखा है। हाथों में हाथ डाले दोनों होटल से बाहर आ रहे थे, वो भी सुबह के 9 बजे। Which means कि पूरी रात उन दोनों ने होटल में एक साथ बिताई। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सुबह कॉफी पीने गए हो, शायद कोई मीटिंग हो। क्या हुआ? ये लो, आ गए काजल की चहेती। हुआ क्या? हुआ ये है, तुम्हारी फ्रेंड काजल हम सबके पीठ पीछे मिस्टर एमडी के साथ क्या गुल खिला रही है जानती हो तुम? You probably know about that, Jenny. क्या बकवास कर रही हो? देव सर और काजल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ये बात। ये पैकेट आया है होटल से, इसमें काजल जी के कपड़े हैं।
रेडियो सिटी में अपने आखिरी घंटे गिनना शुरू कर दो मिस काजल बहन, क्योंकि ये कपड़े अब तुम्हारी इज्जत ढकने के नहीं, उतारने के काम आएंगे।